In this video, we are particularly going to focus on the oily skin. In previous video, we have discussed about what are the three different types of skin that an individual have and according to which we decide which cosmeceutical product to use. Okay, so now, the skin type characterized by enlarged pores and appears shiny due to overactivity of sebaceous glands is the oily skin. अगर किसी के skin में जो हमारे sebaceous glands हैं, हमें सबको पता है कि they are sebaceous glands which secrete sebum, ठीक है? तो overactivity का मतलब है कि there is a more than normal secretion of sebum in an individual, तो उसकी skin होगी oily in nature, ठीक है? और उसके जो pores होंगे वो थोड़े से enlarged, थोड़े से बड़े होंगे in comparison to the other skin type. And also the skin will appear a little shiny. ठीक है, जो rough skin वाले लोग होंगे उनकी skin थोड़ी सी rough सी दिखाई देती है, पर जिन oily skin वाले होंगे उनके skin will be appear as shiny. Oiliness is mostly available on forehead, nose, chin and these parts are oily to the touch. अगर हम इसको टच करेंगे तो ये जो हमारे forehead, nose, chin ये सारे जो parts हैं तो ये oily touch होंगे इसमें. It appears shiny and heavily textured. ठीक है, oily skin usually develops with onset of puberty and affects large percentage of youth people. जब puberty attain करता है an individual तो the skin tends to be more oily in comparison to the younger ones and also it affect large percent of youth people. बहुत मतलब maximum लोगों की अगर हम देखें skin type तो उनकी oily nature होता है skin का. ठीक है, बहुत मतलब अगर हम देखें तो अगर हम 5 में से देखें तो मोस्टली 3 पीपल ऐसे होंगे जिनकी ऑयली स्किन होगी एंड 2 ऐसे होंगे जिनकी ड्राई स्किन होगी. ठीक है, हो सकता है 10 में से 7-8 पीपल की ऑयली स्किन हो. ठीक है, तो जो रेशियो है ऑफ पीपल विद ऑयली स्किन इज मोर देन दैट ऑफ ड्राई स्किन. ठीक है, कॉजेज ऑफ ऑयली स्किन इंक्लूड, फर्स्ट इज हेरिडिटी. अगर हमारे मदर फादर की स्किन ऑयली है तो देर आर मोर चांसेस कि उनके जो ऑफस्प्रिंग हो उसकी स्किन भी ऑयली होगी. नेक्स्ट इज द एज, द प्रोडक्शन ऑफ सीबम रिड्यूसेज विद इंक्रीज इन एज. एज एजिंग क्लोजेज पोर्स इट लूजेज प्रोटीन्स लाइक कोलेजन एंड सीबेशियस ग्लैंड स्लो डाउन. ठीक है, जितनी एज बढ़ती जाती है उतना जो सीबम का सिक्रेशन है, जो सीबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटी है वो कम होती जाती है. ठीक है, तो उससे क्या होता है, जितना एज बढ़ेगी इंसान की उतना ऑयली नेचर कम हो जाएगा उसकी स्किन का. नेक्स्ट इज द डाइट, अगर हम जितना अभी डिपेंड करेगा हम फूड क्या ले रहे हैं. ठीक है, हमारी डाइट क्या है, कंज्यूमिंग एक्स्ट्रा सॉल्ट लीड टू इंक्रीज इन ऑयल्स लेवल एज स्किन ट्राइज टू कॉम्बैट द डिहाइड्रेशन कॉज बाय सॉल्ट. हॉर्मोन लेवल्स, मोर एंड्रोजन्स बाइंडिंग टू रिसेप्टर्स ऑन सीबेशियस ग्लैंड्स विल प्रोड्यूस मोर सीबम. नेक्स्ट इज द प्रेगनेंसी, सेक्रेशन ऑफ ऑयल इन द स्किन इंक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी एंड हॉट वेदर, द इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी एंड हीट इन वेदर इंक्रीज द ऑयल सेक्रेशन एज वी ऑल नो. नेक्स्ट, ऑल्दो ऑयली स्किन कैन क्लॉक पोर्स एंड लीड टू इंक्रीज एक्ने बट इट हैज़ मेजर बेनिफिट एज ऑयल प्रिजर्व्स द स्किन एंड पीपल विद ऑयली स्किन हैव थिकर स्किन एंड फ्यूअर रिंकल्स. हम सबको पता है कि ऑयली स्किन एक्ने प्रोन होती है, ज़्यादा क्लॉक मतलब पोर्स ज़्यादा जल्दी क्लॉक हो जाते हैं. हमें जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं हम कॉस्मेस्यूटिकल प्रोडक्ट्स, वो हमें बहुत ध्यान से अच्छे से यूज़ करने होते हैं. मगर देर इज़ एन एडवांटेज ऑफ ऑयली स्किन की जो अपियरेंस ऑफ रिंकल्स है, जो मतलब एज पता चलती है ऑन फेस और ऑन द स्किन, वो ऑयली लोगों मतलब ऑयली स्किन वाले लोगों में लेट पता चलती है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ ड्राई स्किन पीपल. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑयली स्किन.